दोस्तों आज का प्लान बहुत ही खास और बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि अगर आप भी ऐसा मकान चाहते हैं जिसमें चार कमरे हो और बाहर से स्टेयर्स जीना हो और एक बेहतरीन सा लुक हो और चारों तरफ वेंटिलेशन का प्रावधान हो, तो आपके लिए बहुत ही सुटेबल मॉडल हो सकता है। हमारे एक सब्सक्राइबर थे और उन्हें मैं कॉन्टेक्ट किया, तो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आज का मॉडल पूरा डेडिकेटेड है। हालांकि मैं उन्हें सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि उनको मॉडल देने में मुझे काफ़ी देरी हो गई, मैं कुछ समय से बिजी था, इस वजह से ये उनको 2 से 3 दिन अप्रॉक्स लेट हो गया, तो इसके लिए मैं तहे दिल से उनके सॉरी बोलना चाहूँगा। क्योंकि मैं मैक्सिमम मॉडल 24 से 36 घंटे में लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ जो भी हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करता है, तो बट उनको शायद 4-5 दिन से ज़्यादा हो गया, मैं किसी कारण से नहीं दे पाया, तो उनके लिए सॉरी। और सबसे पहले ये मॉडल का मैं आपको फ्रंट एलिवेशन जो है बहुत ही खास बना कर दिया है, इसका साइज भी बताऊंगा, कॉस्ट भी बताऊंगा और इसका पूरा प्रॉपर तरीके से डिजाइन बताऊंगा। तो आप भी अगर स्मार्ट हाउस प्लान पर पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे अगर आपको भी कभी भविष्य में ऑर्डर बनवाना पड़े तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकें। क्योंकि मैं पेड सर्विस चलाता हूँ, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा या स्क्रीन पर भी आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उसी पर हमें आपको व्हाट्सअप पर मैसेज करना है और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करूंगा। लेकिन वो हमारी पेड सर्विस होती है, इसका विशेष ध्यान रखें, 50% पेमेंट एडवांस करना होता है, 50% बाद में। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर पर बिल्कुल कॉन्टैक्ट न करें, कहीं अन्य जगह पर लोग कॉन्टैक्ट करें, डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर है, स्क्रीन पर जो हमारा नंबर शो हो रहा है, केवल उसी पर कॉन्टेक्ट करें, नहीं आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, आपसे कोई बंदा हमारे नाम से और पैसे ले लेगा और आपको मॉडल नहीं देगा, तो इससे बचे रहिएगा। जब मैं आपको कॉल करूं इसी के बाद आप हमें पेमेंट करिएगा 50% एडवांस। तो आज का मॉडल बहुत ही खास होने वाला है और जिनका ये मॉडल है दोस्तों, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, आप बताइएगा कि इस चैनल पर किसी भी प्रकार का फ्रॉड होने की संभावना नहीं। हाँ, हालांकि लेट हो सकता है, थोड़ी सी देरी हो सकती है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उनका, बट आपको मॉडल बहुत ही सैटिस्फैक्ट्री मिलेगा, मतलब आपको जो आप चाहेंगे वैसा मिलेगा। तो आप हमें कमेंट करके सपोर्ट कर सकते हैं, जिनका भी मॉडल है उनसे मैं गुजारिश करूँगा। तो ये फ्रंट एलिवेशन देखिएगा, फ्रंट की बात करें तो 33 फिट 33 फिट इनकी चौड़ाई है, गहराई की बात करें तो 37 फिट गहराई है, 37 फिट गहराई है, तो 33x37 में मॉडल बना है। इसके बाद चारों तरफ क्योंकि इन्हीं की जगह है, तो लगभग 2-2 फिट का मैंने छज्जा भी चारों तरफ निकाल कर दिया है, फ्रंट में भी, लेफ्ट राइट में और बैक साइड में भी, और जहां पर पॉसिबल हो सकती थी वहां विंडो भी दिया है जहां उनकी रिक्वायरमेंट थी। चलिए सब कुछ अभी हम आपको बहुत ही प्रॉपर से समझाने वाला है, तो बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो इसका ग्राउंड फ्लोर मैं मैक्सिमम जूम करता हूँ, इसका रियलिस्टिक व्यू समझ में आ जाए। देख सकते हैं दोस्तों, पिलर, चार पिलर पर पूरा आगे का जो डिज़ाइन है वो, और ये पूरा बीम पर देखिए पीओपी का डिज़ाइन मैंने यहाँ पर कॉस्ट करके दिया है। और इनको बाहर से स्टेयर्स की रिक्वायरमेंट थी, तो बारंदे से रिक्वायरमेंट दी, मतलब स्टेयर्स दी हैं। देखिए कि बारंदा इधर से आप देखेंगे तब समझ में आ जाएगा, ये लगभग 7 फिट का बारंदा है। तो बात करते हैं स्टेयर्स की, तो यहाँ से आप चढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बारंदे में आएंगे, और अब मैं टॉप व्यू दिखाता हूँ, ऊपर से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये बारंदा है ना, ये पूरा बारंदा, और आप इधर से चढ़ना स्टार्ट करेंगे, स्टेयर से टर्न होंगे और फिर आप बाहर की तरफ आ जाएंगे, अंदर की तरफ। तो ये आपकी स्टेयर्स जो कि बाहर उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने बनाई है। ये मेन डोर है, यहाँ से आप एंट्री करेंगे, दोनों तरफ बेडरूम है, इस वजह से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों पर मैंने विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए। अंदर जाते ही दोस्तों मेन डोर के साइड में भी दोस्तों मैंने छोटे छोटे विंडो दिए हैं जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। ऊपर भी आपको देख सकते हैं, ऊपर भी वेंटिलेटर यहाँ पर मैंने लगा कर दिया है। तो टॉप से देखेंगे तो राइट हैंड पर आपको सबसे पहले एक बेडरूम मिलता है, इस बेडरूम में फ्रंट से आपका विंडो है, और अगर डोर की बात करें तो इधर से आपकी डोर लगी हुई है। लेफ्ट हैंड में बात करें तो इधर भी एक विंडो है और सॉरी बेडरूम है, और इधर से आपको डोर देखने को मिलता है इसके लिए वेंटिलेशन के लिए। सामने फ्रंट में आपका ये देखिए विंडो लगा कर मैंने दिया है। आगे बढ़ते ही आपका लेफ्ट हैंड में ये एक सेपरेट सॉरी आपका एक लेट एंड बाथ है जो कि सभी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और इस कॉर्नर पे एक और बेडरूम है, उनकी माताजी हैं और वो उन्हें शायद उनकी बीमार रहती हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि एक ऐसा बेडरूम सर बना कर दीजिए कि उस पर एक अटैच लेट आपका लगा हो, टॉयलेट लगा हो। तो ये देखिएगा उन्हीं की रिक्वायरमेंट के अगर सबसे पीछे वाले बेडरूम कॉर्नर वाले में उनके अटैच लेट बना कर दिया, ये डोर यहाँ से दिया, यहाँ से वो एक्सेस करेंगे, और ये दोस्तों कॉमन है जो कि सभी लोग इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद ये दोस्तों आपका किचन बना हुआ है,
इस किचन को वेंटिलेट करने के लिए सबसे पीछे देखिएगा एक विंडो दिया गया है किचन में, प्रॉपर वेंटिलेशन पहुंचता रहे, है ना। इसके बाद ये एक और बेडरूम कॉर्नर पर, इसका डोर इधर से और इसको वेंटिलेट करने के लिए इधर से साइड से विंडो। और ये दोस्तों इनको एक पूजा घर भी रिक्वायरमेंट था, तो इधर से आप पूजा घर को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर चार बेडरूम दोस्तों बने हुए देख सकते हैं, चारों कॉर्नर पर हैं। तो आगे वाले बेडरूम को वेंटिलेशन देने के लिए फ्रंट से विंडो दिया गया है, और सबसे जो पीछे कॉर्नर पर बेडरूम बने हैं उनको साइड से वेंटिलेशन करने के लिए देखिएगा यहाँ पर विंडो दिया गया है। बचता है किचन को वेंटिलेट करने के लिए, उसके लिए सबसे पीछे, क्योंकि उन्हीं की जगह है, तो पीछे से मैंने आपका देख सकते हैं विंडो दिया है। पूजा घर को वेंटिलेट करने के लिए इधर वेंटिलेटर दिया है, लेट बाथ को वेंटिलेट करने के लिए भी वेंटिलेटर यहाँ से दिया गया है। तो बहुत ही बेहतरीन प्लान फोर बेडरूम के साथ 33x37 में मॉडल बनकर रेडी हुआ है। तो आप भी अगर पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर, स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, या मुझे इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सभी के लिंक और नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर की बात हो गई, अब बात करते हैं इसके फ्रंट आपके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये देखिएगा फर्स्ट फ्लोर दोस्तों, चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल, विशेष ध्यान रखिएगा चारों तरफ इन्हीं की जगह है, तो मैंने 2-2 फीट का छज्जा चारों तरफ निकालकर दिया है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी बनाकर दी है मैंने, और ये डोर, अब जैसे आप ऊपर आएंगे, और वेंटिलेटर भी इस पर लगा है। और फ्रंट की ग्रिल का डिजाइन देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत और यूनिक देखने को मिलेगा। ग्रिल दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, आप स्टील का ग्रिल लगवाना चाहते हैं, किसका लगवाना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। आप विंडो का डिजाइन, डोर का डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही, सभी लोगों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, किसी को डोर कुछ और पसंद आता है, किसी को विंडो का डिजाइन और पसंद आता है। बट ये विंडो का डिजाइन बहुत ही प्रॉपर, बहुत ही यूनिक आपको देखने को मिल रहा होगा। बट आपको अगर पसंद नहीं है तो आप विंडो कोई दूसरे भी लगवा सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता। मैं आपको एक सैम्पल बना कर देता हूँ। तो ये एक बेहतरीन सा मॉडल 33x37 बनकर रेडी हुआ है। तो आपको हमारा ये मॉडल पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।